Now the next thing in this video, बहुत interesting video है ये, because in this video we are going to format the structure which we made and make it more presentable. अब obviously the format which we made in the last video, this is not the way you present your data to your maybe your superiors, your managers. तो this is not the way you present your data. इसके layout को, इसके experience को, इसके appearance को and इसके layout को, sorry, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. नाउ इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे इसको बेटर रिप्रेजेंट करते हो. सबका अलग अलग स्टाइल होता है, यू डेवलप योर ओन स्टाइल. मैं जस्ट फॉलो मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग और डिडक्ट एनीथिंग और कुछ खुद कुछ अलग करना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू मेंशन कि ये जो सारे फिगर्स हैं, ये जो सारे फिगर्स हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ऑब्वियसली ये रुपी में है, रुपी में है, प्लस ये थाउजेंड्स में है. ठीक है, ये सारे फिगर्स थाउजेंड्स में हैं, तो मुझे वो सबसे पहले अपने कॉल, अपने टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा. दैट इज़ आई कैन राइट INR इन थाउजेंड्स, INR इन थाउजेंड्स, सो दैट द पर्सन हु आई एम गोइंग टू गिव दिस रिपोर्ट टू विल अंडरस्टैंड कि हमने अपने डेटा को, अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैसे लिखने की कोशिश की. INR यानी कि इंडियन रुपीज़ इन थाउजेंड्स. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट यू ऑल कैन डू इज़, ये हमारा, इसको हम छोटा कर सकते हैं एंड जो हमारा हेडिंग वाला कॉलम है उसको मैंने थोड़ा बड़ा किया. ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, वी आर गोइंग टू ऐड टू न्यू कॉलम्स. मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि 2015-2016 का डेटा है, ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे इन कमिंग क्लास. बट एक्सट्रैक्शन के बाद हमें देखना है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स बिटवीन 2016 एंड 2015. तो वो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे इन एब्सोल्यूट टर्म्स, वो मुझे यहाँ पे लिखना है. तो वेरियंस, इसको हम वेरियंस बोलते हैं या फिर वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी यानी कि हमारा 2016 और 2015 में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या था. सो यू कैन राइट इट एज एब्सोल्यूट डिफरेंस और वेरिएबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स. तो आप कैसे भी लिख सकते हो, वेरिएबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स शॉर्ट में मैंने लिखा है. आप इसको एब्सोल्यूट डिफरेंस भी बोल सकते हो, वेरियंस भी बोल सकते हो, वेरिएबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी बोल सकते हो. इट्स अपॉन यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसका. एंड और मुझे क्या लिखना है, 2016 वर्सेस 15, ये इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे. आई एम सो सॉरी, रैप टेक्स्ट कर देंगे सो दैट इट फिट्स इन दिस पर्टिकुलर सेल. इसको हम यहाँ पे, वी कैन राइट वन मोर थिंग दैट दीज आर द एक्चुअल फिगर्स, ए सी टी यानी कि दीज आर द, और यू कैन राइट इट कम्प्लीटली, एक्चुअल फिगर्स, दीज आर द एक्चुअल फिगर्स विच यू हैव. यू कैन राइट इट इन ब्रैकेट्स ऑल्सो. ये हमने लिखा, सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्चुअल इन ब्रैकेट, एक्चुअल इन ब्रैकेट. तो ये हमारा हो जाएगा रैप टेक्स्ट. एंड यहाँ पे जो हमने वेरिएबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स निकाला, हम इसको निकाल सकते हैं वेरिएबिलिटी इन परसेंटेज टर्म्स, 16 वर्सेस 15, 16 वर्सेस 15. तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर, बेसिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है. द नेक्स्ट थिंग इज़ जो मुझे और ऐड करना है यहाँ पे, इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एंड द फुल डिलीवर्ड मार्जिन परसेंटेज. परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ, मुझे क्या चाहिए, नेट सेल्स या फिर ग्रॉस सेल्स का परसेंट हम उसमें कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ और ऐड करने हैं, विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. नाउ व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, बेसिकली इट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट फिगर जो आएगा हमारा डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स, ताकि हमें पता चले कि कितना परसेंट ऑफ नेट सेल इज़ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. सिमिलरली फुल डिलीवर्ड मार्जिन
percentage. This is FDM is full delivered margin, which is again full delivered margin divided by the net sales figure, जो हम यहाँ पे निकालेंगे. So this is how I have made my structure. हम लोग और improve कर सकते हैं. इसके बीच में हम एक नया रो ऐड कर देते हैं जिसका साइज विल डिक्रीज सो दैट इट लुक्स बेटर. एज यू ऑल कैन सी थोड़ा थोड़ा एडिटिंग मैंने किया है. इसके कॉलम को विथ को भी हम डिक्रीज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेक इट लुक मोर बेटर बाई यूजिंग डिफरेंट कलर्स विच यू प्रेफर. I prefer, let's suppose, blue मैंने लिया. यहाँ पे हम सारा variability in absolute and in percentage terms निकालेंगे. It's up to you, आप कैसे इसको edit करते हो, it's up to you. It's completely up to you. ये हो गया. Next thing is I can make these figures in bold. These things in bold. Change the color if you want. Change the colors if you want. And the next thing is obviously जो मेरे main figures हैं, जैसे net sales was my main figure. तो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो एंड मेक इट बोल्ड. सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कलर चेंज किया एंड मैंने इसको बोल्ड किया. सिमिलरली फुल डिलीवर्ड मार्जिन को भी आप बोल्ड करके कलर चेंज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ. एंड लास्टली टू शो द डिफरेंस कि ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट हमें नेट सेल्स मिला, तो हमें एक लाइन बनाना है. यहाँ पे द सिंपलेस्ट वे टू ऐड अ लाइन इज आप सिंपली इस वाले तीनों सेल्स को सिलेक्ट करोगे, बॉर्डर्स में जाओगे एंड खाली अप बॉर्डर मुझे चाहिए, टॉप बॉर्डर मुझे चाहिए. तो देखो टॉप बॉर्डर आ गया है यहाँ पे. सिमिलरली फॉर ग्रॉस प्रॉफिट टॉप बॉर्डर मुझे चाहिए एंड फुल डिलीवर्ड मार्जिन के लिए मुझे बॉटम एंड टॉप दोनों बॉर्डर्स चाहिए. तो बॉटम एंड टॉप बोथ द बॉर्डर्स. सो दिस इज हाउ यू एडिट. सेम चीज हम लोग यहाँ करते हैं रिपीट सो दैट यू नो इट लुक्स कंसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू मेंटेन द सेम स्ट्रक्चर इन ऑल योर शीट्स सो दैट इट लुक्स वेरी नाइस. और वॉट यू कैन डू इज जो मेरा ये बॉर्डर है इसको हम थिक बॉर्डर भी दे सकते हैं. जो लास्ट वाला बॉर्डर है मेरा, इसको हम थिक बॉर्डर कैसे देंगे. बॉर्डर में जाओ, यहाँ पे एक है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर्स. तो टॉप बॉर्डर नॉर्मल होगा एंड बॉटम बॉर्डर थिक हो जाएगा. वापस से मैं दिखाती हूँ, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर. एज यू ऑल कैन सी अब हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है अब हमारे डेटा के लिए. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज the color of this you can make it white. It's up to you, it's completely up to you. आप कैसे अपने data को edit करते हो, this is the way which I have done. You can choose a different, completely different way. It's not an issue. Just make your data look presentable. ज़्यादा editing भी करना is not essential. आप grid lines भी हटा सकते हो so that it looks better and clean. This is how I have edited my data, my report. You can edit your particular report according to you.